हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। मेरे हाथ में जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे होंगे, इस ट्रांजिस्टर का नंबर आप यहां पे देख सकते हो कि VRD882P82C इसका नंबर है। तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है, जो कि इस इमरजेंसी लाइट के अंदर लगा हुआ था, इस बोर्ड के अंदर लगा हुआ था, जिसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज आने के बाद ये खराब हो चुका है। तो अब हमें इसके जगह पे नया वाला ट्रांजिस्टर लगाना है। तो अगर इस ट्रांजिस्टर को मार्केट में सेम नंबर का ना मिले, तब हमें क्या करना है आपको दिखाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस सेम नंबर का आपको डेटा सेट डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको गूगल पे मिल जाएंगे। और डेटा सेट डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है, मैंने बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ मेरे पिछले वीडियोस में। अगर आपने बहुत सारे वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का सेम डेटा शीट मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हूँ। देख सकते हो, ये एक नंबर का हमारा इमीटर, दो नंबर का कलेक्टर और तीन नंबर का हो गया बेस, और एक NPN ट्रांजिस्टर है, जो कि आप देख सकते हो। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन अलग है। अलग की हुए मुझे तो पता नहीं, शायद इसका जो कंपनी है या इसका जो सीरीज है वो अलग होता होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, इस तरह का डिज़ाइन का मुझे ट्रांजिस्टर नहीं मिला है। लेकिन मुझे जो ट्रांजिस्टर मिला है कुछ इस प्रकार का है, लेकिन इसका कंपनी कुछ अलग है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो सेम है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर और जो पुराना वाला जो ट्रांजिस्टर था उसके अंदर क्या फ़र्क है, दोनों का नंबर में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा पुराना वाला ट्रांजिस्टर था, उसका नंबर मैंने पहले भी एक बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसका जो स्टार्टिंग का नंबर है BRD882P82C इसका नंबर है। और जो मुझे नया वाला मिला है वो कितने नंबर का, आप देख सकते हो, NECD882PM95। तो इसके अंदर मेन फर्क यही है कि जो कंपनी है वो कंपनी, अलग अलग कंपनी ने इसको बनाया है, इसलिए उसका जो सीरीज है या नंबरिंग का जो सीरीज है वो अलग है। लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है, काम करने का जो प्रोसेस है, और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज, वो मतलब लगभग सेम ही है। तो आप इसके जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही था कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट पे पूछते रहे थे कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कोई भी अगर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट या IC या कुछ भी कंपोनेंट्स अगर सेम नंबर का नाम मिले, तो हमें किस प्रकार से उसका इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स हमें मिलेगा, उसके बारे में आप बताइए। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल चुका होगा कि किस तरीके से किसी भी कंपोनेंट्स का इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स किस तरीके से पता करोगे। तो सबसे पहले आपको इसका डेटा शीट डाउनलोड करना होगा, जो पुराना वाला लगा हुआ था, उसके बाद नया वाला का, उसके इक्विवेलेंट के ज़रिए आपको देखना होगा कि जो वैल्यू है, मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट मिनिमम करंट, ये जो सारे चीज़ है, आपको इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स को चूज़ करना होगा। अगर इसके ऊपर और भी आप वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आप लोगों को पूरा एकदम डिटेल में समझा दूंगा कि किस तरीके से एकदम बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, उस तरीके का कंपोनेंट्स आप किस तरीके से ढूंढ पाओगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इस जो इमरजेंसी लाइट है जो कि ख़राब होकर पड़ा हुआ था, तो मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आए हैं, तो इसके अंदर अब मैं इस नया वाले को इंस्टॉल करूँगा और इसको मैं रिपेयर करूँगा। थैंक यू गाइस इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।